हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 12.2. सो बिफोर स्टार्टिंग 12.2 वी नीड सम बेसिक नॉलेज अबाउट द सम्स दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व इन द एक्सरसाइज 12.2. ठीक है, तो उसके बारे में हमें जानना है. सो उसके पहले से सर्कल से रिलेटेड है सब कुछ, हम सर्कल के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो क्या करेंगे यहाँ पे, हम बस कुछ फॉर्मूलाज जान के ले लेंगे कि क्या क्या होता है, एंड देन विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 12.2. सो ये तुम्हें सर्कल दिख रहा है, ओके. सो इसमें क्या है, तो तुमने हेडिंग देख लिया रहेगा, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. एरिया ऑफ सेक्टर एंड अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. सो व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर? सो सेक्टर क्या होता है कि कोई भी सर्कल में से एक छोटा सा पार्ट अगर तुम निकाल दो, ओके, एक छोटा सा पार्ट तुम निकाल दो, सो दैट पार्ट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ सेक्टर. दैट पार्ट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ सेक्टर. समझ रहे हो, वो जो चीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर. नाउ यहां पे तुमने देखा रहेगा ए ओ बी, दिस पार्ट ए ओ बी, ये जो एक है दिस ए ओ बी, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ सेक्टर. दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ सेक्टर. अब सेक्टर दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है तुम्हारा मेजर सेक्टर, एक क्या होता है तुम्हारा मेजर सेक्टर. तो तुम्हें पता ही चल गया रहेगा मेजर सेक्टर क्या होता है. एंड अनदर इज दिस टाइप इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ माइनर सेक्टर. अनदर दिस पार्ट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ माइनर सेक्टर. अब ये मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर क्या होता है, अगर किसी सर्कल का एक छोटा सा पार्ट होता है, द स्मॉलर पार्ट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ माइनर सेक्टर, एंड द लार्जर पार्ट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ मेजर सेक्टर. द लार्जर पार्ट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ मेजर सेक्टर. ठीक है, सो अभी इसमें से क्या करना है हमें, जस्ट दो फॉर्मूला हमें जो है वो पता होना चाहिए ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए. ओनली टू फॉर्मूलाज वी नीड टू रिमेंबर, बाकी हम अंदर देखते ही जाएंगे. सो द फर्स्ट फॉर्मूला दैट वी हैव इज फॉर द फर्स्ट फॉर्मूला दैट वी हैव इज फॉर द एरिया ऑफ सेक्टर. द फर्स्ट फॉर्मूला दैट वी हैव इज फॉर एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, अब ये जो पार्ट है अभी हमको इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, कैसे करोगे, ये कोई एक पर्टिकुलर शेप तो नहीं है ना, ये क्या रेगुलर शेप है, यहां से तुम बोलोगे सर ये ट्राइंगल है एंड ये लेंथ है, तो इतना पार्ट मिल जाएगा, बचा ये वाला पार्ट कैसे निकालोगे, डिफिकल्ट हो जाएगा. सो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज एरिया ऑफ सेक्टर. सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एक सेक्टर जो होता है सर्कुलर का एक पर्टिकुलर एंगल होता है, एक लेंथ होता है. लेट्स से कि यहाँ पे जो एंगल है ये कुछ तो एक एंगल है, एंड इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, थीटा. इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, थीटा. करेक्ट, इस एंगल को हम क्या बोलोगे, थीटा. सो ये थीटा क्या है, एक 360 डिग्री का पार्ट है. सो थीटा बाय 360 इनटू पूरे सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ सेक्टर. मतलब कितना भी तुम्हें सेक्टर फाइंड आउट करना, कितने भी डिग्री का सेक्टर हो तुम इससे फाइंड आउट करना, दैट इज थीटा अपॉन 360 अपॉन पाई आर स्क्वायर. जिसमें ये थीटा क्या होगा, एंगल ऑफ द सेक्टर. दिस थीटा इज नथिंग बट एंगल ऑफ सेक्टर. एंड तुम्हें पता ही है कि सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, ओके. सो पूरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर है. सो हमें कुछ पार्ट फाइंड आउट करना, तो उतना परसेंट, जैसे कि मैंने बोला कि तुम्हें एक लेंथ दी हुई है, ये तुम्हारे पास क्या है, एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, 20 मीटर है. जिसकी लेंथ कितनी है, 20 मीटर है, ठीक है, बरोबर. तो मैंने पूछा कि इसका 1/4 कितना होगा. सो मैंने पूछा वायर का 1/4 लेंथ कितना होगा, तो 1/4 कितना होगा, अगर मुझे इस वायर को चार पार्ट में डिवाइड करना है, चार पार्ट में डिवाइड करना, तो एक पार्ट का लेंथ कितना होगा. सो एक पार्ट डिवाइड बाय 4th पार्ट इंटू 20, तो मुझे पता चल जाएगा कितना, 5 मीटर. तो सेम चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, एक पार्ट मतलब जितना हमें लेंथ चाहिए अपॉन टोटल 360 डिग्री होता है, इंटू पूरा कितना होता है, पाई आर स्क्वायर. पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर. सो उससे हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे. समझ जाओ, नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमें याद रखना है फॉर दिस चैप्टर इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क. ओके, लेंथ ऑफ एन आर्क
सो लेंथ ऑफ एन आर्क के लिए फॉर्मूला क्या होगा? अगेन सेम थिंग, कितने एंगल पे वो कट रहा है अपॉन 360 डिग्री इनटू, अब लेंथ मतलब ये हमें इसका फाइंड करना है, ये ए पी बी है पार्ट है, इसका हमें फाइंड आउट करना है। एरिया में क्या करते थे हम, पूरा शेडेड रीजन फाइंड आउट करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क मतलब सिर्फ इतने आर्क का लेंथ कितना है, दैट इज ए पी बी का, ठीक है, या ए क्यू बी का, वैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा। अभी बार बार लेंथ हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, बार बार लेंथ में क्या करने की, फाइंड आउट की करने की जरूरत नहीं है। तुम बोलोगे तुमको ए पी बी का फॉर्मूला पता है, तुमने ए पी बी निकाल लिया, फिर ए क्यू बी के लिए अगेन ये फॉर्मूला यूज मत करो। सो अगेन ये क्या है, ए पी बी आर्क, ए पी बी जो तुम्हारा है आर्क ए बी पी इज योर माइनर आर्क, करेक्ट, एंड योर आर्क ए क्यू बी इज नथिंग बट योर मेजर आर्क, ओके। सो माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क विल बी नथिंग बट विच दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ योर सर्कल। तो इससे तुम क्या फाइंड आउट कर सकते हो, पूरा सर्कमफेरेंस। अगर तुम्हारे पास कोई भी दो चीज़ है, तुम तीसरी चीज़ आसानी से क्या कर लोगे, फाइंड आउट कर लोगे। अगर तुम्हारे पास कोई भी दो चीज़ है, तुम सारा सर्कल का जो भी गिवन डेटा है वो तुम क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर, समझ गए होगे, नो डाउट्स टिल हियर, ओके। सो ये था जस्ट बेसिक थिंग जो हमें क्या है रिक्वायर्ड है, दिस आर सम बेसिक थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्सरसाइज, जहाँ पे तुम्हें मेनली क्या है ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला तुम्हें बस याद में रखना है, ठीक है, क्लियर, थैंक यू।